नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें, लाइक करें, कमेंट करें, अधिक से अधिक शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, हमारे एएम एजुकेशन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा आपको पता है कि चक्रवृद्धि ब्याज का टॉपिक लेके चल रहे हैं, इसमें हमने अब तक 4 वीडियो कवर करा दी हैं। आज हमारा वीडियो 5वां है दोस्तों। इसमें हम आपको जो 4 वीडियो में लगभग 30 सवाल हमने कवर करा दिए हैं, आज दोस्तों हम 30 से ऊपर सवाल लेके चलेंगे। और अब तक आपने जो सारे प्रश्न देखे होंगे बहुत मज़ेदार प्रश्न थे, अब इससे आगे थोड़े से सवाल इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों, हमारी वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरी कवर करके देखिएगा, क्योंकि आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन नहीं दबाया है तो जल्दी से दबा लो, क्योंकि अगर बेल आइकन नहीं दबाओगे तो नोटिफिकेशन जो है वीडियो को वो आपको नहीं मिल पाएगा। तो दोस्तों, आपसे बस यही गुजारिश है कि आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें, उन हर बच्चों तक पहुँचा दें जो हमारी वीडियो को फ्री बैठ करके पढ़ सके और सीख सके। चलिए दोस्तों, आपको नए से नए तरीका सिखा के चलेंगे। तो सवाल है दोस्तों, पहला, किसी धन का 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 105 रुपये तथा साधारण ब्याज 100 रुपये प्राप्त होता है तो वह धनराशि कितनी है। यानी 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दोस्तों दिया है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 105 रुपये और 2 वर्ष का साधारण ब्याज दोस्तों दे रखा है 100। तो आपसे पूछ रहा है कि मूलधन कितना है, यानी धन कितना है। तो दोस्तों, आप क्या करोगे, ध्यान से देखना। सबसे पहले दोस्तों, हम इसका डिफरेंस देखेंगे, अंतर, यानी 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 वर्ष का साधारण ब्याज का अंतर देखेंगे। तो दोस्तों, आपने 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर देखा तो आपको पता लगा कि 105 में से 100 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 रुपये का अंतर आ गया। अब आप एक काम करोगे दोस्तों, 2 वर्ष का साधारण ब्याज 100 रुपये है तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, तो आप कहोगे कि सर 50 रुपये। 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है, 50 रुपये। तो दोस्तों, आप देखिए कि जब 50 रुपये पर 1 वर्ष के अंतर्गत कितना ब्याज बनना है, 5 रुपये, कितना बनना है, 5 रुपये। और ये 1 वर्ष का है, ये 1 वर्ष का साधारण ब्याज है, ये 1 वर्ष का साधारण ब्याज है, लेकिन इसी पर 5 रुपये ब्याज है। अगर दोस्तों मैं इसको, ये जो ब्याज है ये 50 है, इसको मैं 50 बना दूं तो ये मेरे लिए मूलधन बच जाएगा। तो दोस्तों, 50 बनाने के लिए आप इसमें 10 बढ़ा दो तो इसमें भी आप 10 बढ़ा दो तो आपका मूलधन कितना आ जाएगा, 500 रुपये। बहुत सरल सा सवाल था दोस्तों, क्योंकि जो 50 रुपये ब्याज था उस पर भी 5 रुपये ब्याज है आपका, उसमें भी 5 रुपये ब्याज है। अगर मैं इसको 50, ये 50 है, इसको मैं 50 बना तो ये मूलधन बन जाएगा। तो इस पे 50, इसको 50 बनाने के लिए आपको 10 का गुणा करना पड़ेगा, 10 में से गुणा कर दिया तो कितना हो गया, यानी इसको 50 करने के लिए हमने 10 का गुणा किया तो 50 हुआ, और इसको हमने जब इधर 10 का गुणा किया तो इधर भी कर दो कितना हो गया, 500। तो आपका मूलधन कितना होगा दोस्तों, 500 रुपये हो जाएगा। चलिए दोस्तों, बहुत मजेदार सवाल था। आप मौके इसको कर सकते थे, मौके कैसे करोगे, दोनों का अंतर 5 रुपये, 1 साल का ब्याज 50 रुपये, अब 5 को 50 बना दें तो ये अपने आप 500 बन जाएगा, यही आपका आंसर है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, सेकंड सवाल बिल्कुल इसी तरह से एक और सवाल लेके चलते हैं दोस्तों। सवाल क्या है देखें, किसी धनराशि के 2 वर्ष के साधारण ब्याज 500 रुपये तथा चक्रवृद्धि ब्याज 520 रुपये है तो वह धनराशि ज्ञात करो। बहुत मजेदार सवाल है दोस्तों कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज 500 और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 520 रुपये है तो वह धनराशि ज्ञात करनी है। बिल्कुल सेम टू सेम जो भी सवाल बनाया है बिल्कुल वही है कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 520 रुपये और 2 वर्ष का साधारण ब्याज दोस्तों दे रखा है वो 500 रुपये, ठीक है। हमको क्या याद करना, मूलधन ज्ञात करना है, ठीक है, प्रिंसिपल ज्ञात करना है। तो देखेंगे अभी, बिल्कुल सेम मेरे साथ के लिए अभी आपको मैंने सिखाया है कि दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे कि सर 20 रुपये हो गया, अंतर कितना हो गया, 20 रुपये अंतर हो गया दोस्तों। अब आप देखोगे जब 1 वर्ष का साधारण ब्याज 500 रुपये है, 2 वर्ष का 500 तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा, 250, तो 2 वर्ष का 250 हो जाएगा। तो देखते हैं, जैसे ये 250 है और 250 पे दोस्तों कितना है आपका ब्याज, 20 रुपये। अब आपको क्या करना है,
अब ये 250 ब्याज पर ब्याज बनाए एक साल का, एक साल का जो ब्याज बनाया वो 20 रुपये। अब आप एक जीरो से जीरो लौटा दीजिए, आपने काट दीजिए तो आपने काटा तो ये कितना रह गया 2। अब आप एक बात बताओ, ये हमें ब्याज मान के चल रहे हैं, अगर मैं इसको 250 बना दूँ तो ये इसके लिए मूलधन बन जाएगा, तो इसको 250 बनाने के लिए मुझे 125 का गुणा करना पड़ेगा, 125 दूनी होता है 250, तो दोस्तों 125 का आप इधर गुणा कर दोगे तो 125 का इसको गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 3125। ठीक है, जैसे आप गुणा कैसे करोगे, 25 125 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 तो आंसर कितना दोस्तों हो जाएगा 3125। आइए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं, समझ में आ गया होगा, अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो दोबारा दोस्तों इसको देख लें, एक बार दो बार तीन बार जितनी बार वीडियो देखेंगे आपकी समस्या आ जाएगी, बिल्कुल क्लियर कर पाऊंगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। किसी धन का 3 वर्षों का साधारण ब्याज 1200 रुपये तथा 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 812 रुपये हो तो ब्याज की दर तथा मूलधन ज्ञात करो, यानी दोनों चीज पूछा है, ब्याज की दर तथा मूलधन ज्ञात करो। किसी धन का 3 वर्षों का साधारण ब्याज 1200 रुपये तथा 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 812 रुपये हो तो ब्याज की दर तथा मूलधन ज्ञात करो। तो दोस्तों हम देखेंगे ब्याज की दर तथा मूलधन हमसे पूछा गया है तो कितना दिया है, सवाल को देखेंगे। जैसे 3 वर्षों का हमें साधारण ब्याज दिया है और चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, तो 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज दिया है दोस्तों हमें 812 और 3 वर्षों का साधारण ब्याज दिया है आपका 1200। अच्छा, ये 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 812 और 2 वर्ष और 3 वर्ष का साधारण ब्याज, थोड़ा सा अंतर दिया है दोस्तों। किसी धन का 3 वर्षों का साधारण ब्याज 1200 रुपये तथा 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 812 रुपये तो मूलधन तथा दर ज्ञात करनी। तो दोस्तों एक चीज देखी है कि जब 3 वर्ष का साधारण ब्याज 1200 है तो 1 वर्ष का कितना होगा, 3 का इसमें डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा, 3 × 4 = 12 यानी 400 हो जाएगा। 1 वर्ष का 400 हो जाएगा तो दोस्तों 2 वर्ष का कितना हो जाएगा, तो कहोगे कि सर ये तो 800 हो जाएगा। तो अब ये देख लीजिए, ध्यान से समझ लो कि ये 2 साल का साधारण ब्याज 800 रुपये है और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 812, तो अंतर कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे कि सर अंतर आ जाएगा 12 रुपये का। ठीक है, जबकि 1 वर्ष का आपने साधारण ब्याज कितना बढ़ाया, 400, तो 400 पे 12 आए, हमेशा 1 वर्ष का लेते हैं साधारण ब्याज, 400 पे 1200 ब्याज आए, देखिए 400 पे 12 ब्याज आ गया, 400 पे 12 आ गया। अब आप क्या करोगे, इसे हमको क्या करना है, ध्यान से देखना, इसे मुझे 400 बनाना है। ठीक है, कितना बनाना है, 400, तो पहले आप क्या करोगे 400 बनाने के लिए, एक तो इसमें 3 से डिवाइड करोगे दोस्तों और 3 से इसमें डिवाइड करोगे। ठीक है, 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 हो जाएगा और 3 से ये तो डिवाइड हो ही नहीं पा रहा है, यानी ये 400/3 होगा। ठीक है, अब ये 4 हो गया। अब दोस्तों अगर मैं इसको 400 बनाऊं तो 100 का गुणा करना पड़ेगा, तो इधर भी 100 का गुणा कर दीजिए, यानी आपका ये 40,000 हो गया, 40,000 में 3 से डिवाइड और ब्याज हमने 400 बना दिया। ठीक है, अब इससे डिवाइड करोगे तो दोस्तों देखिए आप करोगे 3 × 3 एक बचेगा 3 × 9 फिर 3 × 9 फिर 3 × 9 3 × 3 3 × 9 3 × 9 3 × 9 तो यहाँ तो फिर 3 × 9 1/3 इतना आपका मूलधन आ जाएगा, कितना आ जाएगा, इतना आपका मूलधन आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको रेट चाहिए तो रेट बहुत आसान है दोस्तों, रेट के लिए आप देख लीजिए कि 400 पर आपका 12 रुपये ब्याज होता था, 400 पर 12, तो आप ये देखिए 4 से इसे 100 बना दिए, 4 से काट तो ये 3, तो रेट कितनी आ जाएगी 3%। तो रेट बहुत आसान था, ये 400 को 100 बनाना था, यानी 100 बनाने के लिए 4 से इसको डिवाइड कर दो, 4 को इसको डिवाइड कर दो, 3, तो रेट कितना आ जाएगा 100% और मूलधन कितना आ जाएगा, तो मूलधन 13,333 सही 1/3 या 0.33 भी हम कह सकते हैं। बात समझ में आ गए, तो दोस्तों यहाँ मूलधन और ये पूछा गया आपको आसानी से समझ में आ गया। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों, अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो दोस्तों बार बार पे हमारी वीडियो को देख सकते हैं, बार बार को मुझे कहने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए सवाल नंबर अगला देखते हैं दोस्तों, किसी राशि पर 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से पहले वर्ष का साधारण ब्याज 48 रुपये है,
पहले वर्ष का ब्याज 48 रुपये है और दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? किसी राशि पर 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से पहले वर्ष का ब्याज 48 रुपये है तो दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? पहले वर्ष का 48 रुपये। तो देखिए पहले वर्ष का हमें चक्रवृद्धि ब्याज चाहे साधारण ब्याज बराबर ही होता है दोस्तों, चाहे साधारण पहले वर्ष का चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो चाहे साधारण ब्याज हो, हमेशा एक वर्ष का चाहे एक वर्ष का कोई भी हमेशा बराबर होता है। तो ये दे दिया दोस्तों 48 रुपये, ठीक है। एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, एक वर्ष का साधारण ब्याज कुछ भी समझ लो, 48 रुपये दे दिया। फिर उसने क्या कहा है, पहले वर्ष का 48 रुपये दे दिया, रेट कितने दे दिया 8%। हमको दोस्तों जो दर दे दी गई है वो 8% दी गई है। तो हमें पूछा है कि दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, दो वर्ष का नहीं दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो दोस्तों देखिए जैसे एक वर्ष का अगर हम चाहे तो 48 रुपये को चक्रवृद्धि ब्याज कहें चाहे इसको हम साधारण ब्याज कहें, पहले हमने इसमें 8% कोई पैसा होगा हमें मालूम नहीं है, इस पर हमने 8% लगाया होगा तब ये 48 बना होगा, लेकिन हमें मालूम नहीं है पैसा क्या है। तो दोस्तों अगर हम दूसरे वर्ष का निकालना है तो इस पर 8% इसका लगा लीजिए। तो 8 8 64 6 8 4 32 6 38 क्योंकि परसेंट से लग जाएगा दोस्तों पॉइंट, परसेंट से यहाँ पॉइंट लगाएगा, परसेंट से दो अंक पहले यानी 3.84 ये हो जाएगा। अब अगर वो दो वर्ष का कहता तो मैं दो का इधर गुणा करता एक का गुणा इधर करता तो दो वर्ष का मुझे क्या मिल जाता, चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाता। लेकिन उसने ऐसा नहीं बोला, उसने बोला है दूसरे वर्ष का, तो दूसरे वर्ष के लिए मैंने कल बताया था इसको हम नहीं लेंगे, केवल इसमें एक का गुणा करेंगे। अब दोस्तों जब आप इसको जोड़ोगे तो आप ये कहोगे सर ये तो 48 था, ठीक है, और ये कितना है 3.84, तो आपका जवाब हो जाएगा 48 और 51 यानी 51.84। ये दूसरे वर्ष का आपका क्या है चक्रवृद्धि ब्याज, किस कितने का, दूसरे वर्ष का, दूसरे वर्ष का आपका क्या है चक्रवृद्धि। समझ में आ गए, समझ में आ गया होगा दोस्तों, बहुत मजेदार तरीके से मैंने आपको बताया है, ठीक है। चलिए आगे आगे चलते हैं, अगले सवाल की तरफ आगे चलते हैं। इसी टाइप के सवाल आप एग्जाम में या एग्जाम में आए हुए सवाल या फिर आप किसी किताब से आए हुए सवालों को हल करने की कोशिश करिए, आप आसानी से हल कर पाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे सवाल है किसी राशि पर 6% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से पहले वर्ष का साधारण ब्याज 600 रुपये हो तो दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। अभी पहले वर्ष का चाहे चक्रवृद्धि ब्याज कहता चाहे साधारण ब्याज कहता दोस्तों वही रहता, तो पहले वर्ष का साधारण ब्याज 600 रुपये यानी इसने दोस्तों पहले वर्ष का साधारण ब्याज कितना दे दिया है 600 और रेट कितनी दे दिए दोस्तों, तो दर दे दिए दोस्तों 6% और हमें पूछ रहा है कि दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। दूसरे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है अभी की तरह, तो दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। ये दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि, अभी मैंने दोस्तों आप अभी आपको बताया है कि भाई देखिए पहले कितना मूलधन था मुझे नहीं मालूम, मैंने कहा कि भाई इस पर मैंने 6% लगाया, पहले साल में मैंने 6% लगाया तो मुझे कितना मिल गया 600 रुपए मिल गया, कितना मिल गया पैसा कितना था मूलधन मुझे पता नहीं है, लेकिन मैंने इस पर 6% लगाया तो मुझे कितना मिला 600 रुपए। अब मैं क्या चाहता हूं, ये तो एक वर्ष का हो गया लेकिन मुझे दूसरे वर्ष का चाहिए, तो एक वर्ष का नया भी अगले एक वर्ष का, तो इस पर मैं 6% दोस्तों लगाऊंगा। तो आप एक बात बताइए इस परसेंट में दो जीरो खत्म हो यानी 6, तो 6 6 36 यानी अगले कितना रहा होगा 36 रुपये रहा होगा। अगर मैं यहाँ दो का गुणा करता या एक का गुणा करता और इसको जोड़ता तो आप कहते सर ये तो दोनों वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज मिल गया, ठीक है, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, हमें दूसरे वर्ष का चाहिए, तो इसमें गुणा नहीं करेंगे केवल इसमें एक का गुणा करेंगे और इसको यूं की यूं ही जोड़ देंगे यानी 600 प्लस के 36, तो आपका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 636 रुपये यानी दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा दोस्तों 636 रुपये, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं, समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। दूसरे वर्ष और दो वर्ष में दोस्तों बहुत अंतर है, दूसरे वर्ष में यानी पूरा टोटल लेकर के चलते दो वर्ष का और दो वर्ष का और केवल दूसरे वर्ष की बात करता है तो वहां पर दो वर्ष का लेके चलते हैं, केवल लास्ट वाले नीचे वर्ष का लेके चलते हैं। चलिए अगला सवाल देखेंगे दोस्तों,
कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में अपने का 3 गुना हो जाता है, 3 वर्ष में अपने का 3 गुना हो जाता है, वही धन उसी दर से कितने वर्षों में 9 गुना हो जाएगा। दोस्तों अधिकतर इसका फॉर्मूला याद करते हैं, पर आपको याद करने की जरूरत नहीं होगी, बहुत आसानी तरीके से हम दोस्तों करेंगे। कोई धनराशि, धनराशि आपको पता नहीं 3 वर्ष में कितने गुना हो रहा है, 3 गुना, यहाँ ये पागल वाले को करना पड़ेगा, तो हमें चाहिए 9 गुना, हमें चाहिए 9 गुना, 9 गुना बता रहे हैं, तो 9 गुना का मतलब होता है किसी पावर 3 की 2। तो दोस्तों ये जो 3 है ना, जब इधर पावर 2 का 1 में 2 का गुणा किया तो इधर भी 2 का गुणा कर दो, यानी पी की पावर 6 और ये 9 गुना, यानी समय कितना होगा 6 वर्ष, तो आपका जवाब कितना रहा होगा दोस्तों, 6। बात समझ में आ गई, बहुत बेहतरीन सवाल है दोस्तों, इस पर पावर जितनी होगी 9 गुना। अब देखिए इसके लिए एक चीज आप देख लो, जैसे इसका मतलब है 3 गुना, इसका मतलब है 9 गुना, इसका मतलब है 27, ठीक है, इसी तरह से 2 की पावर का मतलब होता है 2 गुना, 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4 गुना, 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8 गुना, और 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16 गुना। इसी तरह से अगर हम 5 की बात करें, 5 की पावर 2 का मतलब होता है, 5 की पावर 1 का मतलब होता है 5 गुना, 5 की पावर 2 का मतलब होता है 25 गुना, 5 की पावर 3 का मतलब होता है 125। इसी तरह से सवाल पूछे जाएंगे और जो मैं तरीका बता रहा हूँ तो इसे आसानी से आप कर सकते हैं। चलिए अगर आपकी समझ में आ गया है तो आगे हम सवालों को करके चलते हैं, अगला सवाल देखेंगे दोस्तों आपके स्क्रीन पर, मजा आ रहा होगा दोस्तों तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। सवाल क्या है, अगला सवाल देख लीजिए, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, कितना गुना हो जाता है, 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो उसी दर से 8 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा, यानी सवाल कह रहा है दोस्तों कि 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, इसकी पावर 1 रहती, ठीक है, तो हमें 8 गुना करना है, कितना करना है दोस्तों, 8 गुना के लिए दोस्तों मैंने बताया 2 की पावर 3, यानी 1 में 3 का गुणा किया, तो इसमें भी 5 में 3 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 15 का कितना गुना हो रहा है 8 गुना, यानी समय कितना हो जाएगा 15 वर्ष, तो समय कितना हो जाएगा, देखा दोस्तों समय नहीं लगा, जितना पावर में इधर गुणा करेंगे उसका इधर गुणा करेंगे, अगर आप इधर भाग लोगे तो इधर भी भाग आपको देना पड़ेगा, समझ में आया। चलिए मेरे साथ एक और सवाल करिए आप, एक बार जल्दी से जल्दी फटाफट सवाल करने की कोशिश करिए, बिल्कुल सारे सवाल करने लगोगे दोस्तों, जो नहीं पहली बार पढ़ रहे उसको भी मजा आएगा। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, तो 6 वर्षों में मूल राशि कितनी गुनी हो जाएगी, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है तो 6 वर्षों में मूल राशि कितनी गुनी हो जाएगी, तो देखो भाई समझ लो कोई धनराशि 3 वर्ष में 3 गुनी हो गई साहब, 3 वर्ष में 3 गुनी हो गई, हमें 6 वर्ष करना है इसको, वर्ष हमेशा कर रहेगा, तो 3 को 6 बनाने के लिए दोस्तों आप क्या करोगे, आप मुझे बताओ, तो आप कहोगे कि सर इसमें 6 बनाने के लिए 2 का गुणा कर दो, तो इसको 2 का गुणा कर दो, तो जब ये 6 बन गया तो इस 3 की पावर 2 का मतलब 9 गुना, तो कितने गुनी हो जाएगी 9 गुनी, यही पूछा गया कि मूल राशि कितने गुनी हो जाएगी, तो दोस्तों 9 गुनी हो जाएगी, बड़ी आसानी से कर पा रहे, ठीक है, समझ में आ रहा होगा दोस्तों। चलिए अगला सवाल लेके चलते हैं दोस्तों, बहुत छोटे छोटे सवाल है, इसलिए मैं फटाफट फटाफट बता दे रहा हूँ, कोई आपको दिक्कत नहीं आ रही होगी। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं, कोई धनराशि किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर पर 3 वर्षों में 8 गुनी हो जाती है, तो वही धनराशि उसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 4 वर्ष में कितने गुना हो जाएगी, यानी 3 वर्ष में 8 गुना हो जाती है, 3 वर्ष में 8 गुना हो जाती है, तो 4 वर्ष में कितना गुना हो जाएगी, कोई धनराशि 3 वर्ष में 8 गुना हो जाती है, 3 वर्ष में 8 गुना हो जाती है, अब यह बड़ा क्रिटिकल है, इसे 4 वर्ष कैसे बनाएंगे, तो दोस्तों सबसे बहुत देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है,
हम इसको तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि आठ का मतलब होता है दो की पावर तीन, और इसको काट देंगे एक एक बार, यानी पी की पावर एक और दो की पावर एक गुणा। मुझे चार वर्ष बनाना है तो चार का दोनों तरफ गुणा कर दीजिए, तो ये चार एक चार और ये दो की पावर चार, यानी दो की पावर चार का मतलब होता है सोलह गुणा। कितना गुना होता है? सोलह गुना। तो कितना गुना हो जाएगा? सोलह। दो की पावर चार का सोलह कैसे होता है? दो गुणा दो गुणा दो गुणा दो, जितनी पावर होती है उस आधार का उतनी बार गुणा करते हैं, दो दुनी चार दुनी आठ दुनी सोलह, यानी कितने गुना हो गया? सोलह। जब आपने चार का गुणा इधर किया तो चार का इधर भी करना पड़ेगा, यानी पी की पावर चार, ये चार वर्ष हो गया तो कितना गुना हो गया? सोलह गुना हो गया। अच्छी तरह से समझ में आ गया आपका। चलिए अगले सवाल की तरफ चल रहे हैं दोस्तों। मजा आ रहा है तो दोस्तों लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए आप। बहुत लोगों का हमने कमेंट भी देखा है, अच्छा लग रहा है दोस्तों, वो आपको भी मजा आ रहा होगा सवाल हम जो करा रहे हैं। चलिए एक सवाल अगला और देख लेते हैं। यदि कोई धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर तीन वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर तीन सही तीन बटे आठ गुना हो जाए। सवाल बहुत मजेदार है दोस्तों। तीन सही तीन बटे आठ गुना हो जाएगी तो ब्याज की वार्षिक दर। दोस्तों देखते हैं, उसने कहा है कि दोस्तों तीन वर्ष में तीन सही तीन बटे आठ गुना हो जाए। तो आप दोस्तों देखिए, तीन अट्ठे चौबीस और तीन सत्ताईस, यानी सत्ताईस बटे आठ गुना। इसका मतलब क्या हो गया इसको समझें। ये आपका दोस्तों मूलधन है, क्या है? मूलधन है। और ये दोस्तों आपका मिश्रधन है, क्योंकि गुना होने का मतलब मैं पहले बता चुका हूं मिश्रधन। तो हम एक बात लेकर के चले हैं कि सत्ताईस मिश्रधन जो सत्ताईस है, क्या है ये सत्ताईस है वो मिश्रधन है, और ये हमारा आठ क्या है? ये आठ हमारा क्या है? मूलधन। हम थोड़ा तो उल्टा लेके चलते, ठीक है? आठ हमारा क्या है? मूलधन। या हम ऐसे भी लेके चलते हैं कि आठ को मूलधन को इधर रख लें और मिश्रधन को इधर, ठीक है? हमने इधर अमाउंट रख दिया है और इधर प्रिंसिपल रख दिया, ठीक है? लेकिन ये अभी भी कितने वर्ष का है? तीन वर्ष का, क्योंकि आपके सामने दिया है। अगर इसको एक वर्ष बना रहे तो इस पर क्यूब रूट लगा दीजिए, एक वर्ष का निकालना हो, और इस पर भी आप क्यूब रूट निकाल लगा दीजिए, तो ये एक वर्ष का बन जाएगा, यानी आपका ये क्यूब रूट दो हो गया और ये हो गया तीन, यानी दो पे तीन मिश्रधन बनाए, यानी ब्याज कितना बन गया? एक, यानी दो पे एक ब्याज बन गया, दो पे एक ब्याज बन गया। तो जब दो पे एक ब्याज बन रहा है एक वर्ष, तो सौ पे कितना बन जाएगा? तो सौ पे दोस्तों बन जाएगा 50% रेट, यानी सौ पे जो ब्याज रहेगी एक वर्ष की, सौ पे जो ब्याज रहेगी वही हमारी रेट कहलाती है। अगर आपको यह समझ नहीं आ रहा कि ये रेट कैसे कहलाती है, तो आप साधारण ब्याज का चैप्टर देख लीजिए। साधारण ब्याज को मैंने ही पूरा इस तरह से सवाल को पढ़ाया बिना फॉर्मूले के, कराया, बहुत मजा आ जाएगा अगर आपको वीडियो को देखोगे। इसका लिंक, सारी वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाकर के देख सकते हैं। टॉपिक वाइज दे रखा है साधारण ब्याज, परसेंट, चक्रवृद्धि ब्याज। दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा, आज का कॉन्सेप्ट कैसा लगा बताइए हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करने की कोशिश करिए, जिससे हमें भी यार हमें कम से कम ऐसा लगता है कि कुछ फ्रेंड हमें कमेंट कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों कमेंट करने में आपको कोई पैसा नहीं जाता, लाइक करने में कोई पैसा नहीं जाता, शेयर करने में कोई पैसा नहीं जाता। दोस्तों मैं आपको पूरा कवर करने की कोशिश करूँगा, मैंने ये गारंटी ले ली है कि आपको पूरा टॉपिक, आपका नंबर सिस्टम, अंकगणित से लेकर के बीजगणित से लेकर रेखागणित, आपका एलजेब्रा, आपकी ज्योमेट्री, वो आपका अंकगणित ऐसा करा दूंगा कि आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाओगे आपसे कोई दिक्कत नहीं आएगी। किसी कोचिंग की जरूरत नहीं है आपको, किसी कोई पेड कोर्स लेने की जरूरत नहीं, फ्री कोर्स मैं आपको करा दूंगा। बस आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा भेजने की कोशिश करो, फैलाने की कोशिश करो, वीडियो को वायरल करने की कोशिश करोगे। बस यही आपसे तमन्ना है, यही आपसे आशा है कि आप हमारी बातों को अमल करोगे। तो दोस्तों आज कैसा लगा है आप कमेंट बॉक्स में जोर लगाइए। तो नमस्कार दोस्तों, अगली वीडियो कल लेकर के चलते हैं। नमस्कार।